फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ वेलकम टू जिया के व्लॉग्स तो सुबह टाइम हम बना रहे थे दाल वाले पराठे तो ये पाकिस्तानी रवायत है कि जब सालन बचता है ना कोई भी सालन बचता है तो वो हम पराठों में डाल लेते हैं हर घर में तकरीबन ऐसे लाजमी होता होगा मेरी अम्मी भी ऐसी करती थी बैंगन हम कम खाते थे तो इस तरह का कोई भी सालन होता था ना वो डाल लेती थी उसको अच्छी तरह पीस के तो पराठों में डल जाता है तो वो और भी ज़्यादा मज़े का लगता है फिर खाने में मैंने भी दाल को अच्छी तरह कूट लिया उसके बाद इसके अंदर नमक और मिर्च ऐड कर ली क्योंकि पराठों में फिर वो कम लगती है तो मैं साथ साथ लगाती जा रही थी आंटी बना बना रही थी इसके बाद हमने सब ने किया नाश्ता अच्छा डेली रूटीन में अपनी कुछ हैबिट्स बना लेना तो उससे सफ़ाई में बहुत आसानी हो जाती है और घर भी साफ़ सुथरा रहता है तो खा नाश्ते के बाद ना मेरी आदत है कि ये जो शीट है ना उसको अच्छी तरह साफ़ कर लेती हूँ अच्छा बेशक सब बड़े हैं लेकिन फिर भी कोई ना कोई निशान लग ही जाता है तो डेली साफ़ होता रहे ना तो फिर ऐसे शीट बुरी नहीं लगती इसके बाद ये सफाइयाँ शुरू हो गई और आंटी जो है पोछा लगा रही थी मैंने डस्टिंग की तो क्वेश्चन के ना थोड़े से कवर मैले थे मैंने सोचा कि आज इनको वॉश कर लेती हूँ बस फिर मैंने सारे कवर उतारे उनको भिगो के रख दिया थोड़ी देर इनको भिगोया और उसके बाद जो है इनको वॉश करूँगी तब तक मैंने सोचा कि ये जो सोफ़ों के कवर हैं ना इनको अच्छी तरह झाड़ लेती हूँ क्योंकि थोड़े दिन बाद ना इनके ऊपर मट्टी हो जाती है इसको इनको इतना ज़्यादा वॉश तो नहीं करते क्योंकि ये कपड़ा जो है थोड़ा बारीक है वॉश बार बार करेंगे तो ख़राब जल्दी हो जाएगा इसलिए आ, महीने दो महीने बाद वॉश करते हैं लेकिन कुछ दिन बाद इसको लाजमी झाड़ते हैं और ये देखें नीचे सोफों की हालत मट्टी चेक करें <laughs> थोड़ा थोड़े से दिन अगर इन चीज़ों को ना देखें ना तो मिट्टी कहती है कि बस मैंने तो हल्ला मचा देना है तो बस ही मैंने इनको अच्छी तरह झाड़ दिया क्योंकि कलर भी ऐसे का है कि उसके ऊपर मिट्टी जो है वो नज़र भी आती है इस तरह की झाड़फून जो है ना वो ख़वातीन सारा दिन करती रहती हैं जहाँ से उनको कुछ नज़र आता है वो उठाती हैं कभी चादरें झाड़ ली कभी कुछ झाड़ लिया तो फिर सेटिसफेक्शन भी तब भी होती है कि हाँ अब जो है घर नीट एंड क्लीन है अब कहीं मिट्टी नहीं है तो बस फिर मैंने सोफ़े को अच्छी तरह ये क्लीन किया ये रैगजीन का जो सोफ़ा होता है ना इसके ऊपर निशान बड़े जल्दी पड़ जाते हैं हैवी लाइट कलर का स्किन तो फिर इसलिए बुरा ना लगे मैं फिर थोड़े दिन बाद इसको ऐसे डस्टिंग इसकी अच्छी तरह कर देती हूँ कवर उतार के अच्छा अब मौसम चेंज हो रहा है तो इस मौसम में शादियाँ भी बड़ी होती हैं हमारे घर के बिल्कुल सामने ही ना मैरिज हॉल है तो रोज़ ना वहाँ पर देगे पकड़ी होती हैं और कहीं कभी वो पटाखे शटाखे चल रहे होते हैं कि शादी जो है वो रोज़ ही होती है तो बड़ा दिल करता है कि हमें भी कोई शादी आए इस मौसम में और हम जो है तैयारियाँ श्यारियाँ करें और जाएँ तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम शादियाँ अटेंड की हैं में बहुत करीब होती थी तब वहाँ जाते थे लेकिन अगर फ्रेंड्स फ़ैमिली है तो वहाँ पर बस अबू चले गए अम्मी चली गई तो यहाँ पर आके भी जब भी कोई शादी आई तब जिमल भी छोटी थी जिसकी वजह से नहीं जा सकी तो अब बड़ा शौक है कोई शादी आए और अटेंड करें जब मेरी आपियों की शादी थी ना अब शादी वाली बात चली तो मेरे जहन में एक बात आई कि जब मेरी आपियों की शादी थी ना तो तब ना हम बड़ी तैयारियां कर रहे थे घर की पहली शादी थी और बड़े एक्साइटेड थे कि कैसे होगा शौक़ शुरू से ही था कि हाँ आपियों की शादी अटेंड हो और घर में हल्ला गुला हो तो ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि कहीं भी जाते हैं तो एज अ गेस्ट जाते हैं और थोड़े दिन बाद जो है वापस आ जाते हैं तो जब घर में होती है ना तो काफ़ी महीने से पहले से तैयारियां तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं और वो गप बातें प्लानिंग्स तो हमारा ये था कि हमने ना Uh, सारी जो चीज़ें हैं जैसे कुरान पाक हो गया वो रुखस्ती वाली जो चादर है निकाह पेन दूध प्लाई का ग्लास इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना uh, ज़ाहर है जब दो बहनों की शादी थी तीसरे नंबर पे मैं थी और ये जिम्मेदारी जो थी वो मेरी थी तो मैंने सोचा कि ना इसको मैं एक बैग तैयार कर लेती हूँ उसके अंदर ये छोटी छोटी जो सारी चीज़ें हैं ना वो रख देती हूँ तो जनाब ये हुआ कि मैंने सारी चीज़ें जो है एक बैग बना लिया उसके अंदर रख दी और हम चले गए शादी अटेंड करने मैरिज हॉल <laughs> लेकिन जब वो निकाह खा आया और वो रजिस्टर भी आ गया सारा कुछ और बोले गए निका पेन किधर है आप हमने निकाह पेन जो थे वो घर में डिज़ाइन किए थे खुद बहुत प्यारे बनाए थे तो आप ही ने बोला निकाह पेन किधर है फिर मेरे जहन में आया कि जो बैग मैंने तैयार किया था वो मैं बैग सारा ही घर भूल रही हूँ उसके बाद फिर निकाह तो खैर सादा पेन सील से बॉल पेन से हो गया लेकिन वो जो सारा सामान है फिर बाद में भाई को भेज के मंगवाया और इस तरह हो जाता है जब शादी की अफरा तफरी मची हो तो सारी झाड़ पूंज हो गई सफाई हो गई उसके बाद चची हमारे घर आई तो हमने सोचा सुबो से मंगवा लेते हैं थोड़ा चस्का पार्टी भी हो जाएगी गपशप भी हो जाएगी तो जब भी मैं कोई मेहमान आए ना तो उसको दिल से वेलकम किया अगर ये मेहमान जो है अल्लाह ताला की रहमतें होती हैं इसके बाद जी खाना खा लिया उसके बर्तन समेटे अब इनको वॉश करूँगी और आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कोई फ़नी वाक्य तो मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जब ऐसी बातें जहन में आती हैं ना तो बड़ी हंसी आती है कि हाँ तब ये हुआ था और तब वो बहुत मज़ा आता है जब इकट्ठे होकर बैठते हैं और इस तरह की डिस्कशन जब होती हैं तो इसके बाद आटा जी गूँने वाला था दोपहर तो के खाने का भी टाइम हो रहा था तो मैंने जल्दी जल्दी आटा गूँधा और आटा पहले तो मुझे कोई इतना ख़ास नहीं गूंदना आता था अब जो थोड़ा बहुत आ गया है और यहाँ निमल बैठी थी चची के साथ खेल रही थी आटे को मैंने फ्रीज़र में रख दिया क्योंकि ये ताज़ा था और थोड़ी देर बाद ही रोटी बननी थी तो फिर ताज़े की ना सही नहीं बनती वो टूटने लग जाती है तो इनको भिगोए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया था बस फिर मैंने इनको वॉश किया और इनको डाल दिया छत पर इनको वॉश करने के बाद ना मैं किचन में आई एक कैबिनेट खोला मुझे ना कोई चीज़ चाहिए थी जब मैंने खोला तो तौबा तोबा इसके अंदर तो तबाही तो तो मची हुई थी इतने वो चीज़ें ख़राब हुई हुई थी तो बस फिर मैंने जो सया चीज़ें थी ना तकरीबन चीज़ों को ना वो कीड़ा सा लगा हुआ था फिर मैंने वो फेंकी कैबन की अच्छी तरह डस्टिंग की और अब मैंने सोचा कि डेली एक कैबन साफ़ किया करूँगी ताकि फिर ऐसे ज़्यादा बर्डन नहीं होता ना डेली डेली एक एक करते रहे तो वो ईज़िली किचन की सफ़ाई हो जाती है बस मैंने सारे ये बॉक्सेस को अच्छी तरह झाड़ा और जो थी पैकेट्स में चीज़ें थी उनको बॉक्सेस में डाल दिया मैं कहती हूँ कि एक्स्ट्रा चीज़ बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए जितनी की ज़रूरत होती है ना उस टाइम बंदा लाए और इस्तेमाल तो करे और जब इस तरह चीज़ें ज़ाया करनी पड़ती हैं ना ख़राब तो फिर बड़ा ना दिल दुखता है कि हम जो है फजूल खर्ची कर रहे हैं ऐसा मैं सोचती हूँ कि हम डेली जो है कोई ना कोई ना कहीं से सफाई कर ली कहीं से कर ली तो फिर भी ये हालत हो जाती है को अक्सर जो लोग हैं अक्सर खुवात हैं वो नहीं करती और नहीं चीज़ें समेटती तो उनके घरों में क्या हिसाब बनता होगा इसे कोशिश किया करें अपनी आदतें बना लें कि हाँ ये काम मैंने करना है सफ़ाई में ही जो है निसफ ईमान है इसके बाद यह डस्टिंग की शेल्फ की और यह चेक करें एक कैबन की मट्टी है तो वाकियों का क्या हाल होगा <laughs> कवर मैंने डाले थे छत पे वो हो गए थे ड्राई हो गए थे अच्छा गर्मियों की ये मौज है कि कपड़े फ़ौरन से सूख जाते हैं सर्दियों में एक डेढ़ दिन लग जाता है और फिर कहीं जाके कपड़े सूखते हैं बड़ा मसला बनता है तो ये जल्दी जल्दी मैंने इनको जो है दोबारा से कवर किया काम ना करें तो कोई भी नहीं है और करें तो हज़ारों निकल आते हैं हर तरफ से नज़र आता है कि हाँ ये वाली चीज़ अब नहीं की कोई बाहर से आता है ना उसको नहीं लगता इतना कि हाँ नीट एंड क्लीन है लेकिन जो अंदर होता है ना उसको जो हकीक़त है वो पता होती है तो बस डेली जो है ये आदतें अपनी थोड़ी 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 अपनाएंगी ना तो आपका घर नीट एंड और क्लीन ऑर्गेनाइज हो जाएगा आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा इस इस वीडियो को लाइक करना भी नहीं भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है ना वो तो सबसे पहले जाके कर दें मुझे दुआ में याद रखिएगा मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अल्लाह हाफिज़